सकते। अब मेरे पास ये सेब जो हैं कोई छीन सकता है? बदतमीजो बताओ जरा, नहीं छीन सकते ना, क्योंकि तुम लोग स्क्रीन के उस पार हो, मैं इस पार हूँ। तो ये मेरा रिज्क है, ये मैं खा रही हूँ और मैं ही खाऊंगी। तो इसलिए बदतमीजो कोई किसी का रिज्क नहीं छीन सकता। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, देख रहे होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। तो जी जनाब, मेरी जान की टोटियाँ, छोटी 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 छोटियाँ, की हाल है थोड़ा बदतमीजो हाई। अच्छा जी, न्यू कंटेंट ला रही है कौन? नौशीन आपी। आज आप लोगों को दोपहर में मिलेगी कड़ाकेदार वीडियो, और वो भी न्यू कंटेंट के साथ। जी, कल मैंने व्लॉग जो डाला था उसमें मैंने आप लोगों की राय पूछी थी, और इससे पहले प्लीज़ लाइक लाजमी कर देना, और न्यू लोग जो हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बदतमीजो, अगर मेरी वीडियो देखनी है, फनी वीडियो, व्लॉग्स, रिएक्शन, तो प्लीज़ लाइक को, नोशी नोशी प्लीज़ गजनी ना हो, लाइव नहीं है ये, व्लॉग है, व्लॉग है, रिएक्शन है। हाँ ओए ओए, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दो। बदतमीजो आप यहाँ से रिक्वेस्ट करती है जी। मैंने आपने व्लॉग में, डेली व्लॉग जो बनाया था उसमें मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी, पूछा था कि मुझे बताएं मैं रिएक्शन दूं, फनी वीडियो बनाऊं या व्लॉग बनाऊं, तो मुझे आप लोग बताएं। तो मुझे कहा गया व्लॉग और फनी वीडियो के ज़्यादा कॉमेंट आए, और थोड़े से जो आए वो थे रिएक्शन के, जो कि वो भी कहा गया फ़नी में बनाओ। तो ठीक है जी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसमें फ़नी वे में रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन न्यू कंटेंट ला रही है आपकी आपी सब्जी वाली, ठीक है ना। आज न्यू कंटेंट आएगा मियाँ जी के साथ, और मेरे मियाँ जी भी मेरे साथ हैं, लेकिन आपको न्यू चीज़ मिलेगी, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, और डेली आप लोगों को न्यू वीडियो मिलेगी मेरी अच्छी अच्छी सी। जैसा कि बड़ी आपी की, अब इससे हट के बात करते हैं, बड़ी बाजी जो हैं सऊदीया वाली, उनकी वीडियो आ चुकी है, और उन्होंने कहा है कि मैं, अपनी वालदा ने मुझे रिक्वेस्ट की है और कहा है कि इस मामले को ख़त्म किया जाए। तो मैं अपने सपोर्टर्स से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे हवाले से जो वीडियो बनाते हैं आप लोग वो बनाना बंद कर दें, और उसके बाद जो है मेरी वालदा को टारगेट मत किया जाए। मेरी वालदा को के ऊपर वीडियोस गलत वाली जो हैं, गलत अल्फाज जहां बोले जाते हैं वो भी मत बोले जाएं, और ये बोलना चाहिए। औलाद हैं, औलादों की आंखें जो हैं खुलनी चाहिए यूट्यूब पे। ठीक है, आप लोग आए हैं लेकिन वालदा तो नहीं ना, तो उसको इतनी उसकी तजलील की जा रही थी उनकी वालदा की, कि रूह अल्लाह की कसम कांप गई। एक बार तो इतना अजीब सा फील हो रहा था कि भाई ये क्या हो गया, ये यूट्यूब पे हो क्या गया। तो जी जनाब, एक जो वीडियो इन्होंने बनाई है वो बहुत ज़रूरी थी, अच्छी बात है अगर उन्होंने इस तरह का बयान अपनी वीडियो में दिया है, और हम देखेंगे कौन बंदा बात करता है या नहीं करता। ये थी जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप, जो कि कुछ लोगों को पता भी चल चुका होगा, और कुछ लोग नहीं देखते तो उनको मैंने बता दिया है कि सऊदीया वाली बाजी जो हैं उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहा है कि हमारे हवाले से वीडियोस इस किस्म की जहाँ जो बन रही थी, कोशिश करें न्यू कंटेंट लेके आएं, और मेरी वालदा के बारे में भी बात मत करें, कोशिश करें और अपना कोशिश करें न्यू कंटेंट लेके आएं। इससे माहौल बहुत बिगड़ गया था, बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ गई थी, यहाँ तक बुज़ुर्गों तक पे बातें आ गई थी। मैं कहती हूँ कि बवाल हो गया था, बवाल। और ये चांसेस जो हो रहे थे, ये यूट्यूब को बैन करवाने के हो रहे थे भाई, यहाँ तक माहौल ख़राब हो गया था। तो फिर हमें कुछ जो है, मैंने क्लिप देखे कल रात के, जब ये सलमा सितारा और उनकी वालदा और उनके जो वालिद ही हो गए, ताया जान जो हैं वालिद ही हो गए, और असगर और सलमा थे, उन्होंने जो लाइव की थी कल, उनमें जो कुछ दो वाले की लाइव में उसकी वॉइसेस चलाई गई हैं, ज़किया ने चलाई हैं, उसमें वो कह रहे थे अगर ये लोग कहते हैं हमें कि ना हमारे टॉपिक पे बात करें, तो जी जनाब हम ज़्यादा होंगे, हम ज़्यादा बोलेंगे और हम दोनों को ही फिर रगड़ेंगे।
मतलब दोनों बहनों को। अब देखते हैं, फिर भी 2-3 दिन देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मैं तो अपने ब्लॉग भी अब डाल रही हूँ और साथ में फनी वीडियोस भी डाल रही हूँ, और पहले भी मैं एक लिमिट में रह के जो है रिएक्शन देती रही हूँ। आप सब गवाह हैं इस चीज़ के। मैं तो खुद हाथ जोड़ जोड़ के करती थी अल्लाह वास्ते, शलवारें उतरना शुरू हो गई हैं, बदतमी तो बंद करो ये सारा ड्रामा, रुक जाओ। और वाकई बहुत गंद हो गया था। हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं, मुस्लिम लोग हैं, हम लोगों में ये जेब नहीं देता। और कोई भी कंट्री हो यार, बच्चे देख रहे होते हैं तो ये चीज़ें अलाउ मत करें यूट्यूब पे कि किसी के लिए बवाल या मसला बन जाए। उसके बाद जो है जाहिद साहब और बेबो जी जो हैं उनकी भी सुलह हो चुकी है, और उनकी जो सुलह हुई है वो तो बहुत ही अच्छा हो गया बहन। इतना गंद खोला इन दोनों ने, मैं कहती हूँ बेबो 4 बोलती थी तो भाई जान हमारे 5 भी बोल देते थे, लेकिन चलो अच्छा हुआ इनकी सुलह हो गई। और ये भी मसला बहुत इंतहाई ऊँचाई तक पहुँच गया था, बहुत ज़्यादा गंदी वाली लड़ाई शुरू हुई हुई थी। और बेबो की जो है तबीयत भी ख़राब है, वो शायद गिरी हैं, उन्हें चोट आई है, और एक दूसरे से जो है सॉरी भी की। फिर रात जो है जाहिद भाई की लाइफ में जो है आई हैं बेबो। बेबो ने कहा भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुलह हो गई है। बेबो पता नहीं कितने दिन तक तू चुप रहेगी, बेबड़ी ढोलड़ी हमारी माँ सबके जाए कितने दिन चुप रहेगी, गजनी मेरी बहन फिर दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई, कोई भी भरोसा नहीं है। तो जी जनाब, उसमें जो है वर्दा भी थी और सोनिया भी थी, जाद भाई बहुत सारी हमारी और बहन भी बिहान भी थी। होल्ड ऑन बदतमीज़, होल्ड ऑन बावड़ा वो भी बात कर रही थी आई अपनी अंदाज में। तो वहाँ पे वो बड़े अच्छे माहौल में अच्छे अंदाज से आई और अच्छे अंदाज से बात की वर्दा से। वर्दा ने कहा माई तुमसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी, बदतमीज़ो मैं अच्छे से बात करूंगी तुमसे, क्योंकि तुमने ऊपर आते ही मेरे साथ बदतमीज नहीं की। वहां पे जनाब एक और चीज भी आई थी, नैना जी भी आई थी। और वो जैसे ही ऊपर आई और उन्होंने जो है पता नहीं हड़बड़ाना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया वर्दा को कि आपने मुझे पता नहीं क्या कहा, पता नहीं ऐसे कोई गाली आपने मुझे दी है। उसने कहा बहन तो गजनी हो गई है, मैंने कहाँ दी, उनके आपस में काफ़ी देर लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मैं असल में इनकी लाइव भी सुन रही थी, गेस्ट आए हुए थे काफ़ी सारे, हाई काफ़ी सारे नहीं, एक मेरी प्यारी सिक्योरिटी सी भैणा आई है तो बाहर से आई हैं। तो अच्छा जी, कुछ स्टोरीज हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोगों को नॉलेज के लिए कुछ बताना चाहूँगी, वो आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी। अभी अलर्ट रहिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपने बच्चों पे, अपने इर्द गिर्द लोगों को अवेयर करें, समझाएं, वो मैं अगली वीडियो में आपको तफसील से कुछ बताना चाहती हूँ। सऊदी अरब के कुछ जो लेडीज़ जाती हैं काम करती हैं उसके हवाले से बताऊंगी। अच्छा जी, मैं मेहमानों के साथ भी थी और साथ साथ लाइव भी सुन रही थी, हम लोग काफ़ी हस्बैंड वाइफ बिजी थे। और उसके बाद जो है हम अपना मैंने लाइव भी नहीं की क्योंकि मैं बिजी थी, इसलिए लाइव नहीं की। इनकी मैं बातें थोड़ी थोड़ी सुनती रही, कट टू कट। तो जी जनाब, नैना जी आई और उसने कहा कि मैं जो है, जाहिद भाई ने उन्हें बुलाया था, उसने कहा कि भाई मैं जो है बात ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन देखे मेरे पे अजीबोगरीब इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वर्दा ने कहा भाई कैसे इल्ज़ाम, तू तो खुद एक्सपोज पे एक्सपोज हुए जा रही है, तुम्हारी तो खुद की बातें बाहर आ रही हैं, तुम लोग घर की बातें ऐसे क्यों करते हो। जैसे कि उसकी कोई फ्रेंड है, उसने इजाज़ की बातें शुरू कर दी, टोंट मारे उसमें काफ़ी सारे, साफ पता चल रहा है कि एक मुद्दा जो है वो चला हुआ है और वो नैना पे कोई इशू बन सकता है, बात आ सकती है, ऑलरेडी जो है वो टारगेट पे है। सितारे यासीन के सपोर्टर उसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझते, तो ये नैना पे कुछ असर पड़ सकता है। वर्दा ने कहा जो वीडियो बनाई थी हमारे शौहर ने इस पे सलमा के कहने पे, तो वो रिमूव करे, उसने कहा वो तो पहले से ही कर दी है। उसके बाद कहा जा रहा था कि भाई टैग हटाया जाए सितारा यासीन के ऊपर, जो गलत वाला टैग लगाया गया, तो देखते हैं अगर वो कह रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि वो दूसरी वीडियो में शायद क्लियर करें। अब ये कंफर्म हमें नहीं पूरा पता, लेकिन
मुसलमा का कहना था कि मेरी बात हुई है, और मैंने उन्हें कहा है कि देखें, उन्होंने अपनी वीडियो में टैग नहीं हटाया, जो कि सेंसिटिव इशू है, जो कि सब के लिए वबाल जान बना हुआ है कि दानी 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 वाला ये जो चक्कर चल रहा हुआ है इसको ख़त्म कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, अब ये भी हटवाएंगे हम लोग। देखें, इसमें सितारा का खाली नहीं फायदा, इसमें उनकी अपनी फैमिली का फ़ायदा है, वो अपनी फैमिली बच्चों को सेव करेंगी, ठीक है, क्योंकि यही ज़बान थी जिससे बोला गया और यही ज़बान है, इसी से ही हमने बोल के बात को ख़त्म करवाना है। तो अच्छा यही है कि ख़त्म कराएं, जान छोड़े, ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो। आज सीटी वाला सीटी मार रहा है, लेकिन मैं तो बैठी हूँ टीवी लॉन्च में, बदतमीज मैं तो खा रही हूँ अंगूर। हाय, ये देखो, आप लोगों ने खाने नहीं, खाने खाना भी नहीं। हाँ जी, अच्छा जी, तो ये टैग जो है हटवाया जाए। ज़्यादातर हम सपोर्टर्स का यही कहना है कि देखें, इस सितारा का भी यही कहना था कि देखें, मैं तो नहीं लाई थी ना ये चीज़, आप लोग लाए थे, तो कोशिश करें इस चीज़ को हटवाएं। साजिद भाई ने भी यही आवाज़ उठाई थी कि भाई ये टैग हटवाएं मेरी बीवी से, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें सबका भला है, इसमें खाली सितारा का भला नहीं है। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि वीडियोज़ नहीं बनेंगी, हम देखेंगे, दो दिन देखते हैं कि दूसरी पार्टी जो वो भी बनाती है, अगर वो बार बार वो जानी टैग लगाएंगे और उसको डिग्रेड करेंगे तो फिर हम भी बोलेंगे, फिर इस तरह फिर तो मजीद मसला बढ़ जाएगा ना, मजीद गंदगी होगी। तो इस चीज़ को हम लोगों को रोकना चाहिए। इस मुद्दे की वजह से रियली बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं, नींदें बर्बाद हो गई हैं, थके हुए हैं लोग, हमारी बहनें थकी हुई हैं, उनकी हालत ख़राब है इस केस की वजह से, इन चीज़ों की वजह से। तो इसलिए इस चीज़ को रुकना चाहिए, हम सबका भला है इसमें। तो नैना थोड़ी सी देर रही, उसने ये कहा कि भाई मेरी बैटरी मोबाइल की लो है, बंद हो सकता है मेरा मोबाइल, तो ये ना कहिएगा कि मैं भाग रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो भाग ही रही थी भाग ही रही थी। हाँ, समझ आई ना? नहीं आई तो यही हुआ कि बातें अभी चल रही थी, उसे कहा जा रहा था अपनी सहेली को, कहो कि ये क्या, उसने कंट्रोवर्सी नई जो है स्टार्ट कर दिए, हस्बैंड की भी वीडियो वो रिमूव करो और ख़ुद भी आके वीडियो बनाओ और बोलो कि भाई ये जो चीज़ें थी मैं एक्सक्यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये पब्लिक पे आप लोगों ने आके ये चीज़ें बोली हैं, तो इसलिए जो है मसले ज़्यादा ख़राब हुए हैं। फिर बेबी मैं ढोल सोने दी, बेबी ढोल सोने दी, उसने कहा पेपो जी ने, पेपो ने कहा देखें जी, सबकी सुलह हो रही है, हमारी इतनी इट कुत्ते का वैर था, लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, हाँ जहर तू दस, हाँ जरा साढ़े हो गई ना सुलह, इन्हों की भी सुलह कराओ। जाहिर भाई ने भी एग्री किया कि हाँ भाई, इन लोगों की भी सुलह होनी चाहिए, ये जो वाइटी पे गंद मचा हुआ है, पर्सनल खेला जा रहा है, इसको खुदारा रोका जाए, चुप कर जाओ, गजनी मत बनाओ, चुप कर जाओ। अब अगर वो जाहिद भाई के कहने पे नैना आई है उसकी लाइफ में, तो इसका मतलब है वो भी चाहती है कि मसला ख़त्म हो, लेकिन मसला ख़त्म तब होगा सितारा यासीन के जो व्यूअर्स सपोर्टर्स हैं उनकी डिमांड है कि ये यूट्यूब पे आके कुछ बातें हैं जो एक्सप्लेन करें, आके यहाँ पे बात करें। आप देखते हैं कौन कौन सी वीडियोस आती हैं, क्या होता है, क्योंकि ये इनकी तरफ से फैलाई गई बातें थी जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता सिमटना तो शुरू हो गई हैं। हमारी दुआ है या अल्लाह, रोटी अल्लाह ताला देता है, रिस्क अल्लाह देता है, कोई किसी से नहीं छीन सकता। जैसा कि अब मेरे पास ये सेब जो हैं कोई छीन सकता है? बदतमीजो बताओ ज़रा, नहीं छीन सकते ना, क्योंकि तुम लोग स्क्रीन के उस पार हो, मैं इस पार हूँ, तो ये मेरा रिस्क है, ये मैं खा रही हूँ और मैं ही खाऊंगी। तो इसलिए बदतमीजो, कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता, ये नहीं है कि सलमा सितारा का टॉपिक नहीं होगा तो हम रोटी नहीं खाएंगे, खाएंगे भाई खाएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा खाएं रोटी, लेकिन थोड़ी को थोड़ा करें, ख़त्म करें इस मसले को, क्योंकि ये सेंसिटिव मसला है, सेंसिटिव इशू है। इस मसले को अगर बाजी लेके आई थी और टैग हटा देती हैं तो उनके बंदे का भी फ़ायदा है, उनके बच्चों का भी फ़ायदा है, उसका भी फ़ायदा है। अब बात ये है कि नाना जी
वीडियो बनाती हैं नहीं बनाती, उनकी तो फ्रेंड उसे एक्सपोज बे एक्सपोज किए जा रही है किए जा रही है किए जा रही है, वो नहीं रुक रही। उन्हें तो क्या कि भाई मैं मैनू रोकना है तो तुम रोक के दिखाओ, हाई मैं नहीं रुकना। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं तो हो रही हूँ बिजी, मेरे घर बजी एक आई हुई है मेरी प्यारी सी क्यूटी सी भैना गेस्ट, और उसके बाद मैं आप लोगों को दे रही हूँ न्यू कंटेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं मुझे। बच्चा शच्चा ने चुप करा देता तो फिर मैं क्या मैं जरा थोड़े नाल अल्लाह हाफिज भी कर लिए ना है। अच्छा सुलझ रहे हैं मसले सुलझ रहे हैं, अच्छी बात है, और काफ़ी लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे क्योंकि इस मसले से बहुत सारे लोग परेशान हुए डिस्टर्ब हुए मसलन मसाइल हुए हैं गजनी गजनी से हुए हैं, और ओ माई गॉड गेट माई लास्ट ये भी हुए हैं है? तो गेट आउट माई लास्ट ये भी हुए हैं, समझ आई नहीं आई ये भी हुए हैं आनी भी नहीं है। तो भाई न्यू टॉपिक लाएं, रोज़ी अल्लाह ने देनी है किसी ने नहीं आपको देना रिज़्क, और बाकी जो है हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ, आप लोगों को बहुत अच्छा सा कंटेंट देने वाली हूँ। ज़रा आप लोगों का दिल बहलेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मेरा काम आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं न्यू कंटेंट ला रही हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियोस अच्छी लगी बदतमीज़ो अच्छी लगेंगी बहुत अच्छी लगेंगी इंशाल्लाह। लेकिन धमाकेदार खबर जो है मज़ेदार खबर जो है वो ये है कि दो बड़े बड़े ग्रुप ही कह लें ना ग्रुप ही कह लें बेबोडोल और देसी डोज साहिब पाए जाहिद, इन दोनों की हो गई है सुलह मीटअप हुई है। एक दिन जाहिद भाई उनकी लाइव में थे, दूसरे दिन बेबो ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं हैं जाहिद मैं भी आ रही हूँ, और जाहिद साहब की लाइव में आई बेबो और सुलह हो गई। भाई बेबो जी मैं पहले बता दूं मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, मैंने जस्ट फनी फनी रिएक्शन दिए हैं, तो फिर भी आपको मेरी वजह से कोई दिलाजारी हुई हो तो इसका क्या कर सकते हैं मेरी बहन कुछ भी नहीं कर सकते, मैंने तो मजाक किया था। तो इसके साथ ही अभी मुझे इजाजत दीजिए, हाय कुड़ियों फिर मिलांगे, सुबह मेरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। न्यू कॉमेडीज़ आप लोगों की फरमाइश पे, आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया था, मेरी जो रेगुलर बहनें मुझे देखती हैं वॉच करती हैं उन्होंने कहा था भाई हम ही तो फनी वीडियोज़ आपकी चाहिए, तो मैं लेके आ रही हूँ अपने पार्टनर के साथ नई वीडियो और न्यू कॉन्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नाम क्या है? बिल्लू मौरी। तू मेरा नाम पूछोगे की करना है? दस मिनट जरा बस मैं ये दुनिया दा इंशाल्लाह ये वाला मसला जो है इंशाल्लाह काफ़ी हद तक सुलझ चुका है, इंशाल्लाह मज़ीद सुलझेगा हमें उम्मीद है। हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं और ये जो सेंसिटिव मसला है ये बहुत ज़्यादा नाजुक मसला था, इसको रुकना ही चाहिए था, इसको बढ़ना नहीं चाहिए, हम ऐसी चीज़ें प्रमोट नहीं करते। या अल्लाह भलाई कर दे, कसम से बहुत दिल डरा हुआ था खौफ ज़्यादा था पता नहीं क्या होगा। तो इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।